Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse Number 45. भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मैंने साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। शब्दों का अर्थ, प्रयत्नाध्यतमा, प्रयत्न मतलब कठिन अभ्यास से, यतमान मतलब प्रयास करते हुए, तू तथा योगी, ऐसा योगी संशुद्ध शुद्ध होकर किल्बिषः, जिसके सारे अपराध अनेक अनेकानेक जन्म यानी जन्मों के बाद सिद्धि प्राप्त करके ततः तत्पश्चात याति प्राप्त करता है पराम गतिम अर्थात सर्वोच्च गंतव्य को। अनुवाद, और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 7.28 में हुई है। ये शांतंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रताः। अर्थात अनेक जन्मों तक
पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्ण दया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस अत्यंत ही उत्तम और दिव्य ज्ञान के परम पवित्र शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं धराति स्व परान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथमिदं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता माते की जय हो। छठा अध्याय ध्यान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की योग अभ्यास की विधि का वर्णन किया, और जब अर्जुन को कहा कि योग अभ्यास तभी संभव है जब मन को वश में किया जाए, अर्थात मन को वश में करना अत्यंत ही आवश्यक है। अर्जुन ने कहा कि मन तो कितना चंचल है, वश में कैसे किया जा सकता है, ये तो कितना सूक्ष्म है, अगर स्थूल होता तो इसको मैं अपनी गांडीव के द्वारा बांध कर कहीं पर रख देता, लेकिन ये तो सूक्ष्म है और मन की गति इतनी तीव्र है। वो मन की गति तो वायु से भी ज्यादा तेज है, वायु को
वश में करना असंभव है, लेकिन अर्जुन कहता है कि संभवतः मैं अपने बल से वायु को वश में कर लूं, परंतु मन को वश में करना तो अत्यंत ही दुष्कर है, बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, तुम सही कह रहे अर्जुन। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह सलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुम सही कह रहे अर्जुन, मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ऐसा करना संभव है। अभ्यास का मतलब होता है कि हम विधि विधानों का पालन करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें। और वैराग्य का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे मन को दूषित कर रही हैं, उनसे दूर रहें। ये दो ही भगवान ने ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने फिर कहा कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करा जा सकता है, लेकिन यदि कोई कोशिश भी करता है, अभ्यास भी करता है और उन भौतिक वस्तुओं से दूर रहने को का वैराग्य भी करता है, लेकिन यदि वो सक्सेस नहीं होता तो अयति ही श्रद्धयोपेता योगा चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम रतिन कृष्ण गच्छति। वो योग की सिद्धि को तो प्राप्त नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा उसका? क्या वो एक बिछड़े हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा और कहीं का नहीं रहेगा? तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम सब जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो। मुझे बताओ कि यदि कोई श्रद्धा से योगाभ्यास करने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्ण नहीं होता उसका, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, तो होगा क्या उसका? भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह्नः पुत्र विना शस्त्रस्तु विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं प्राप्त गच्छति। देखो पार्थ, ये कल्याण का मार्ग है, ये जो योग है ना, भक्ति योग, कृष्ण के साथ अपना योग छोड़ना, ये एकमात्र कल्याण का मार्ग है। और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग कल्याण का नहीं, मतलब कल्याण का मार्ग ये है कि भौतिक चाहे कोई भी मार्ग आप प्राप्त करते हो या किसी भी मार्ग पर चलते हो, तो उसमें भले कितने ही आपको दिखने में सुख दिख रहे हैं, परंतु दुनिया दुखों का घर है। और केवल वही व्यक्ति सुरक्षित है जो भगवान के साथ अपना योग जोड़ता है। और यदि इस योग को जोड़ने का वो प्रयास कर रहा है परंतु उसमें सक्सेस नहीं भी होता है, तो भी भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं प्राप्त गच्छति। भले वो कंप्लीट उस सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, फिर भी उसका कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति नहीं होती मतलब उसकी अगर योग साधना कंप्लीट नहीं होती तो भगवान कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी प्रगति की ना, नेहा भी कमनाशोक्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसकी कभी हानि हो ही नहीं सकती। ये वो सौदा है जिसमें केवल लाभ है, केवल प्रॉफिट है, इसमें लॉस की कोई बात ही नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, ना कोई नुकसान है और ना ही कोई हानि। चलो अगर थोड़ा सा भी कर लोगे इस मार्ग पर आगे, थोड़ा सा भी चले यदि आप आओगे, तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से तुम बच जाओगे। और आगे यहाँ भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, तुम अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हो, योग में थोड़ा सा भी अगर सिद्धि प्राप्त करते हो, जरा सिद्धि, तो भी प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विशायत। दूसरे जन्म की गारंटी है अगर भक्ति में लगे हुए हो, सही नहीं कर पा रहे हो लेकिन भक्ति में लगे हुए हो, तो दूसरे जन्म में तुम्हें
अच्छे घर में शुचि नाम श्रीमतम, जो धर्मात्मा लोग हैं, जो बहुत धनी लोग हैं, वहाँ पर जन्म होगा। और वहाँ पर जन्म लेने से पहले भी जो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं जो कि तुम्हें भक्ति करने नहीं दे रही थी, जो तुम्हें भक्ति में पूरी तरह से लगने नहीं दे रही थी, तो पुण्य लोकों में तुम जाओगे और जी भर के भौतिक भोग करना वहाँ पर। और बहुत बहुत काल तक भौतिक भोग प्राप्त करने के बाद जब तुम्हें इस जगह पर जन्म मिलेगा तो तुम्हें पूरा सुख अवसर प्राप्त होगा। तुम पुनः आगे पुनः अपनी भक्ति को जो डिसकंटिन्यू हो गई थी उसको कंटिन्यू करने के पूरे चांसेस मिलेंगे। लेकिन उसमें भी तुम्हारी इच्छा, भगवान जो है वो हमारी इच्छा को खत्म नहीं करते, मतलब भगवान हमारी स्वेच्छा नहीं छीनते हमसे। जितनी मर्जी आए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करो, जितनी मर्जी आए भौतिक भोग की इच्छा करो, भगवान कभी नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हें भक्ति ही करनी है, तुमने भक्ति छोड़ी आदि तो उसको कम्प्लीट करो। भगवान ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। और आगे भगवान कहते हैं 42 में, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अगर तुमने बहुत बहुत टाइम तक भक्ति की होगी तो तुमको ऐसी कुले भवति धीमता बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों में जन्म मिलेगा। और ऐसी जगहों पर जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है जो कि पहले से ही आध्यात्मिक में बहुत उन्नति किए हुए हैं, योगियों के जो कुल हैं वहाँ पर जन्म लेना बहुत बहुत कठिन है। और तत्र दम बुद्धि संयोग लभे पौर्वदेहिकम यत्तति च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करोगे और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करोगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरा मतलब 100% चांस है तुमको आगे सिद्धि प्राप्त करने के, क्योंकि बचपन से ही पैदा होते ही तुम्हारा जो तुम्हें मिल रहा है आध्यात्मिक कल्चर, जो आध्यात्मिक संसार, जो ये संस्कार होंगे ना एडवांस होंगे वो सब पहले से ही आध्यात्मिकता में, तो फिर उसके बहुत ज्यादा चांस है कि अब की बार उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके बाद भगवान ने बताया पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यमशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते। कि पहले जन्म में तुमने बहुत ज्यादा अभ्यास किया था ना, उसके कारण दैवी चेतना से आप ना चाहते हुए भी ह्रियते यमशः सः, कि वो बहुत ज्यादा दैवी चेतना के कारण क्या होगा, आपको जब ऐसा लगेगा कि वो भक्ति आपको आकर्षित कर रही होगी। आप अगर भौतिक भाव, भौतिक वासना करने, काम वासना की कोशिश भी करोगे ना तो भी आपको उसमें घिन ना आ रही होगी, उसमें मजा नहीं आ रहा होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, मुझे भक्ति करनी है। क्योंकि आपकी जो पूर्व चेतना है उसके कारण भगवान बार बार आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे व्यक्तियों से मिलाएंगे और अंदर से आपको प्रेरणा दे रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि यह वशो पीसा, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि बहुत खींचा जा रहा है आपको भक्ति की तरफ, बहुत ज्यादा आकर्षित किया जा रहा है निश्चय ही। और इस तरह से आप भौतिक शास्त्रों के नियमों से बहुत आगे निकल जाओगे, कर्म मार्ग से परे हो जाओगे और भगवान की भक्ति में उन्नति करने का भरपूर आपको अवसर प्राप्त होगा। और भगवान आज कहते हैं प्रियत्नाध्यतमानस्तु योगी संशिद्ध कर्मश। अब ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं प्रयत्नाध्यतमानस्तु कि बहुत कठिन अभ्यास है। ऐसा नहीं कि तुमने चाहा और तुम्हारा प्रेम मुझ में या तुम परम गति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर दोगे, इसके लिए तुम्हें बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ेगा, यतमान बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब शुरू में तो तुमने मतलब घाटा नहीं है इस राह पे,
कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, थोड़ी सी भक्ति करोगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, वहाँ भौतिक बोध करोगे, फिर क्या होगा, क्षीण में पुण्य में त्रिलोकम जन्म मृत्यु शराब आदि। भले अमीर के घर में पैदा हो, भले शुचि नाम श्रीमताम के घर में पैदा हो, लेकिन ये जो सात किस्म के कष्ट है वो तो तुम्हें मिलते ही रहेंगे, जन्म मृत्यु शराब आदि आदि डायरी आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश तो तुम्हें मिलते रहेंगे। आत्मा तो तड़पती रहेगी जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे, जब तक पराम गति को प्राप्त नहीं करोगे। तो आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या करना है, तुम्हें प्रयत्नाध्यतमानस्तु, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ये कोई भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण ये परम गति प्राप्त करना कोई मजाक नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं भक्ति को, कि बस महामंत्र का जप कर दिया, माला कर लिया और बाद में वही अपनी बेकार की हरकतें जो करते रहते हैं। इतनी बुरी ख्वाहिश है हमारी, इतनी बुरी इच्छाएं जिनको पूरा करते रहते हैं और पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, मतलब इतना सस्ता कैसे समझ सकते हैं हम परम गति को। इस भौतिक जगत में यदि कुछ हमें प्राप्त करना होता है तो उसके लिए सीरियस होना पड़ता है हमें, और भक्ति केवल इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं। भगवान कहते हैं योगी संशुद्ध के परम गति प्राप्त करने से पहले तुम्हें समस्त किल्बिश, किल्बिश का मतलब होता है हृदय के अंदर जितने भी अपराध हैं उनसे शुद्ध होना पड़ेगा। हृदय का सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हो, कृष्ण के अतिरिक्त यदि हृदय के अंदर कोई भी इच्छा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त हृदय के अंदर एक जरा सी भी इच्छा रह जाती है ना, तो वो किल्बिश है। उसी के कारण हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसी के कारण हमें बार बार भटकना पड़ता है, उसी के कारण कभी कुत्ता बिल्ली सदा सब करना पड़ता है। ये हृदय का सबसे बड़ा अपराध संशुद्ध किल्बिश है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जैसे तुम अब जब तक तुम सीरियस नहीं हो जाओगे, प्रयत्नाध्यतमानस्तु, अगर बहुत सीरियस होके प्रयास नहीं करोगे, करके अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे हृदय से ये भौतिक कामना भौतिक भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होगी। हम क्या सोचते हैं कि हम भक्ति करें और साथ में हम भौतिक एंटरटेनमेंट भी प्राप्त करें, जब तक हृदय के अंदर से ये बात निकल नहीं जाती कि भक्ति के अतिरिक्त मुझे कहीं भी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, तब तक परम गति प्राप्त नहीं होगी। हृदय के अंदर हृदय की सबसे बड़ी मलिनता ये है कि कृष्ण के अतिरिक्त आत्मा कहीं और आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो दुखी होगी, भले उसको कितना ही लगेगा कि इस वस्तु में आनंद है, इस वस्तु में आनंद है, लेकिन वो सदैव झुलसती रहेगी जब तक कि वो कृष्ण ये परम गति जिसकी बात हो रही ना, जब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर लेती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध, बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, कठिन अभ्यास के बाद हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, समस्त अपराध पाप जो हृदय से है, काम सबसे बड़ा काम जो है ना वो नरक मिले जाने वाला एक सबसे बड़ा दरवाजा है, काम सबसे पहला दरवाजा यही है। इच्छा काम के बाद ही भगवान बताते हैं भगवद गीता के दूसरे, हम यहाँ तक पढ़ के है ना, समझो सब कुछ पढ़ लिया, अब भगवान भक्ति बताएंगे, अब भगवान सिर्फ ये जो ज्ञान देना था ना वो दे दिया भगवान ने। भगवान ने बताया कि अर्जुन उस समय तुम्हारा पतन स्टार्ट होता है जब आप किसी भौतिक वस्तु के विषय में सोचते हो। 2.62 में अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, यहाँ पर भगवान ने फॉल डाउन सूत्र बताया कि किस तरह से जीव का पतन होता है। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते ध्यायते विषयान् पुंसः। तुमने ध्यान किया उसके बारे में, जस्ट यू थिंक अबाउट, अगर तुमने सिर्फ खाली सोचा उसके बारे में, कोई भी भौतिक वस्तु कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचा, देन
संगस्तेषु पदार्थ या अटैचमेंट हो गया उसके साथ, उसको प्राप्त करने की हृदय के अंदर इच्छा प्राप्त, संगा संजायते काम, लस्ट हृदय के अंदर इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी कि मुझे उसे प्राप्त करना है, और प्राप्त कर लिया तो लोभ बढ़ेगा, और नहीं प्राप्त किया तो कामा क्रोधो भी जायते, और जब क्रोध उत्पन्न हो गया, भगवान ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति ब्रह्मा, स्मृति भवशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्राणश्यति, केवल भौतिक वस्तु के विषय में सोचने से पतन हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जब तुम बहुत ज्यादा कठिन अभ्यास के साथ प्रयास करोगे ना, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा और भौतिक वस्तुओं का ध्यान नहीं होगा, ध्यान केवल मुझ में अटक कर रह जाएगा। और इस ये स्टेज प्राप्त करना भगवान कहते इतना आसान नहीं है, इसके लिए भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धि, बहुत जन्म देने पड़ेंगे। ये मत सोचो कि आज भक्ति शुरू की और आज ही परम गति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों तक प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, हृदय के अंदर से जर्रा भी जब भौतिक विचार नहीं होगा ना, भौतिक विचार का समूह नष्ट हो जाएगा, तब ततो याति परम गति, तब तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भले अनेक जन्मों तक भी लग जाए, फिर भी प्राप्त करना अति आवश्यक है, परम गति को मन को वश में करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि परम गति प्राप्त करना इतना कठिन है, तो फिर इतना हार्ड है तो फिर हम करें क्यों ये कठिन अभ्यास, ये जन्म जन्म तक जो प्रयास है वो क्यों करें? तो इसका उत्तर ये है कि जीव को इसी में आनंद आएगा। हम भौतिक कार्य भी क्यों कर रहे हैं, कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है। चाहे आप किसी भी स्टेज को प्राप्त कर लो, चाहे आप किसी भी लोक को प्राप्त कर लो, जब तक कृष्ण चरणों में प्रेम उत्पन्न हो नहीं जाता, तब तक आपका दुख कभी समाप्त हो नहीं सकता। आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक कि उसने परम गति प्राप्त, मैं को ये फिल्मी डायलॉग्स नहीं बता रही हूँ, ये वास्तविकता है जीवन की, और हम इसी वास्तविकता से आंखें चुरा रहे। आज का जीव यही सोच रहा है कि भगवान के अतिरिक्त कहीं मुझे मजा आ जाए, भगवान से दूर रहकर कहीं मैं आनंद प्राप्त करना, उसका अभ्यास करते हैं, उसके लिए कठिन तपस्या करते हैं, और भगवान की बात जब आती है तो फिर ऐसा लगता है कि ये कैसे, ये नहीं करना है मुझे। भक्ति के अतिरिक्त वाले किसी भी चीज में बोलो मैं आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन भक्ति में प्रयास नहीं करूंगा, भक्ति की मैंने माला उठाई और मुझे आनंद आना चाहिए, ये कैसे संभव है? जब भौतिक वस्तुओं में भी जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हम उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम कभी भी उसमें आनंद प्राप्त नहीं करते। उसी तरह भक्ति में भी हमें एक्सपर्ट बनना है। भक्ति ये जो भगवान के पवित्र नाम का प्रयत्नाधितमान, बहुत बहुत कठिन अभ्यास करना है, उसको जप करने का बहुत बहुत प्रयास करना है। और हो सकता है यहाँ भगवान ने साफ साफ कहा अनेक जन्म संसिद्धि। हम जानते हैं शास्त्र बना पढ़ा है ऐसे भक्तों के दृष्टांतों से, जैसे ऊपर हमने पढ़ा श्लोक नंबर 44 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने हरदास ठाकुर का दृष्टांत दिया कि हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य हैं। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 300,000 भगवान का नाम
पवित्र नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो इतने पवित्र जीव थे कि उनका पूरा दिन केवल नाम को उच्चारण करने में निकलता था। पूरे दिन में वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते थे, लेकिन वो फिर भी इस संसार में एक मुसलमान घर में जन्म लेकर आए थे। अर्थात कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा कलमश हृदय के अंदर रह गया जिसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि उसको संशुद्धि के विषय, उसको साफ करने के लिए उन्हें वापस इस संसार, भगवान ने उस समय उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया। ऐसा नहीं है कि वो आ गए हैं तो फिर अब जन्म के समस्त माया का आक्रमण, माया देवी खुद उनके सामने आई, लेकिन उनका इतना दृढ़ संकल्प दृढ़ था कि वो कोई भी उनको विचलित नहीं कर सका। भगवान उनकी हर कदम से रक्षा, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया हरिदास, जब वो राजा के सिपाही तुम्हें घोड़े मार रहे थे ना, तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट लूं, मगर तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता था, तुम बाहर था उनके लिए सुरक्षा की याचना कर रहे थे, तुम बोल रहे थे महाप्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप इन पर कृपा करो, आप इन पर कृपा करो। तो तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने सुदर्शन चक्र को बोला नहीं, तुम हरिदास ठाकुर मना कर रहे थे, तुम नहीं जाओ। फिर मैंने सोचा लेकिन तुम्हें मैं तो इन दुखों से, इस कष्टों से, कौरों के कष्टों से तुम्हें तो मुझे बचाना है। तो मैंने ये युक्ति सोची कि मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा आवरण बन गया, मैं स्वयं तुम्हारी पीठ पर ऐसे लिपट गया कि जो कष्ट तुम्हें मिलने वाला था वो मैंने अपने पीठ पर लिया, और महाप्रभु ने दिखाया अपना पीतांबर हटा के, देखो हरिदास ये वही कौड़ों के निशान है जो तुम्हारे ऊपर आने वाले थे, लेकिन वो सारे मैंने अपने ऊपर लिए। भगवान उसको पूरा प्रोटेक्शन तो देते हैं, लेकिन जब तक वो पूरा पवित्र नहीं हो जाता, संशुद्ध के विषय, जब उसके हृदय से आखिरी इच्छा भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक परम गति प्राप्त नहीं हो जाती। और भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, उसके लिए बहुत जन्म दे सकते हो सकता है और सारे जन्म बीत जाए। चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही परिकर गण बहुत ही सुंदर गाते थे, मुकुंद दत्त नाम था, हम आरती में भी उनका नाम गाते हैं, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो मुकुंद दत्त बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते थे, और कभी कभी जिस ट्रोली के साथ भी बैठते थे तो वो उसी हिसाब से भजन गाते थे, कभी निराकारवादियों के साथ बैठ जाते थे तो कभी है ना किसी देवी देवता की टोली के साथ बैठ जाते थे और भजन गाते थे। सुर अच्छा था बहुत उनका और सब लोग उनको फोर्स करते थे। तो महाप्रभु एक बार कृपा दे रहे थे, बोला था आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं सबको कृपा दूंगा और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। तो जिस जिसका नाम महाप्रभु ले रहे थे वो उनके पास आ रहे थे, जैसे जैसे श्रीवास का नाम लिया, उसके बाद किसी और का नाम लिया, श्रीधर जो कोला बच्चा श्रीधर उनका नाम लिया, और सब भक्तों को एक एक करके बुलाया और बोला कि मैं आज तुम्हें कृष्ण प्रेम जो कि जीवन की परम सिद्धि है वो प्रदान कर रहा हूँ। केवल मुकुंद दत्त का नाम नहीं लिया, श्रीवास ने कहा महाप्रभु सब आ गए हैं परंतु मुकुंद दत्त अभी तक बाहर बैठा है, क्या आप उसे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करोगे? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम मत लो उसका मेरे सामने, मैं उसे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। ये सुनते ही मुकुंद दत्त की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, बोला महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरा जीवन तो समय व्यर्थ हो गया। थे रोए जा रहे हैं, पर्दे के पीछे से देख रहे थे कि महाप्रभु मुझ पर कितना क्रोधित है। तब मुकुंद दत्त ने शिवाज से कहा पंडित जी मेरा एक कार्य कीजिए, आप महाप्रभु से केवल इतना पूछ लीजिए कि क्या कभी किसी जन्म में मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे? तब शिवाज ठाकुर ने कहा महाप्रभु को
महाप्रभु गोकुंड में जतपुंज रहे, क्या कभी उन पर ये कृपा होगी, उनको कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? तब महाप्रभु ने कहा, अभी तो नहीं मिलेगा इसको कृष्ण प्रेम, 10,000 जन्मों के बाद मैं इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। 10,000 जन्म हो जाएंगे ना, उसके बाद इसको कृष्ण प्रेम देगा। इतना सुनना था और मुकुंद दत्त नाचने लग गए, इतना नाच रहे, 10,000 जन्मों के बाद, 10,000 जन्म, बस 10,000 जन्मों के बाद मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, होगा ना, मतलब कभी न कभी सिद्धि प्राप्त होगी ना मुझे, मैं उतना अभ्यास करूंगा, उतना कठिन तपस्या करूंगा अवश्य, 10,000 जन्म तो यूं बीत जाएंगे और मैं जरूर कृष्ण प्रेम प्रदान प्राप्त करूंगा। महाप्रभु 10,000 जन्म इतनी बड़ी कृपा, केवल 10,000 जन्म के बाद प्राप्त हो जाएगी ना? तो वो नाच रहे गा रहे, महाप्रभु महाप्रभु धन्य आप, ऐसे करके। जब महाप्रभु ने देखा कि अब उसे पता चल गया है कि जीवन की परम सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, और भौतिक समस्त इच्छाएं छोड़कर वो बार बार मृत्यु भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो महाप्रभु उसे बुलाते हैं और गले से लगाते हैं। महाप्रभु का स्पर्श होना और कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, ये दो बातें नहीं, एक ही बात है। जब महाप्रभु केवल किसी को देख भी लेते हैं, केवल किसी को स्पर्श कर लेते हैं, केवल किसी के ऊपर कृपा दृष्टि कर लेते हैं, तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। परंतु वास्तविकता ये है कि जब तक हृदय से अन्य अभिलाषिता शून्यम, भौतिक समस्त अभिलाषाएं, ज्ञान कर्मा ध्यानावृत, सारी अभिलाषाएं जब तक समाप्त नहीं होती हैं, ज्ञान और कर्म ये दोनों वस्तुओं का जब तक खंडन नहीं हो जाता है, कोई भी कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त प्राप्त करने की कुछ भी यदि हृदय के अंदर अभिलाषा रह जाती है, तो उसे कभी भी परम सिद्धि नहीं कहते। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धिनावृत अनुकूल कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। जब वास्तविक भक्ति होगी ना, जिसका मतलब है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वाचन, जो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है मैं केवल वही कार्य करूँगा। क्या अनुकूल है? भगवान की भक्ति के लिए हर वो वस्तु का परित्याग करूँगा जो मुझे कृष्ण की भक्ति से दूर कर रही है। मैं पूरे दिन में ये देखूंगा कि वो कौन सा कर्तव्य है मेरा, जिससे मैं कृष्ण से दूर हो रहा हूँ, कृष्ण से मुझे, वो मुझे कृष्ण से दूर कर रहा है। वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सी वस्तु है जो कि कृष्ण प्रेम से मुझे दूर कर रही है, तो उसे प्रतिकूल स्वर्शन उसके करीब मुझे नहीं जाना, क्योंकि इससे मेरी परम सिद्धि प्राप्त करना जो है वो और भी एक जन्म पीछे हो जाएगा। सिर्फ ये एक अलग बात है, श्री रूपा जी बताते हैं कि यदि रास्ता सही है तो उस पर यदि मंद गति पे भी हम तरक्की करते हैं, आगे आगे चलते हैं, तो कभी न कभी वो दिन जरूर आता है कि मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन कितना दूर हो सकता है, कितना स्लो चलना है हमें, यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इतने जन्मों तक हम इंतजार करें। ये मनुष्य जन्म मिला है, गुरु मिला है, एकदम बिल्कुल फिजिकली फिट है, कान सुन सकते हैं, कान कितना अच्छा भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, नेत्र दर्शन कर सकते हैं, मुख भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है, और हम इतनी हमारे पास सुविधाएं हैं कि मंदिर में जा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। यदि ये कार्य आज नहीं करेंगे तो फिर लिखा हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा जर भरत महाराज भरत की कथा, कि फिर तो उसे हिरण का जन्म मिल गया, भले उसके पास पूर्व जन्म की बहुत चेतना पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन फिर भी जन्म तो जानवर का था ना, क्या हम अगर उनकी तो इतनी साधना थी, उन्होंने अपना राज्य त्याग के जब वो वन में गए थे, तो उनको ये अच्छा सुअवसर मिला कि वहाँ पर हिरण के जन्म में भी वो साधु का संग कर रहा था। हम भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक सुविधा के होते हुए भी क्या हम भगवान की भक्ति में उन्नति करने का मार्ग अपना रहे हैं, या अभी तक भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। श्री
श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी जगह पर उसको जन्म मिला है, यानी कि अब उसको ये मौका मिला है कि वो भक्ति में उन्नति करे। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध करता है। यानी कि अब आपको ये चांस मिला है ना, ये ऐसा जन्म मिला है आपको जिसमें आप अच्छी तरह से अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हो। गुरु मिला है, शास्त्र मिला है और साधु संघ मिला है, तो फिर क्या करना है आपको। यहाँ श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्तम शिक्षा दी है। भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने लग जाता है। लग जाता है यानी उसे लगना चाहिए। बुद्धिमान हो हम, हमारे अंदर यदि थोड़ी सी भी अकल है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब और मजीद जन्म नहीं लेने हैं, अब इसी जन्म को हमें अपना सार्थक करना है। और क्या करने, उस सार्थक करने के लिए क्या करना है, अपने को समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध कर लेता है। भौतिक कर्म से क्या है, भौतिक इच्छा। समस्त भौतिक कर्म से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि यानी कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे परम सिद्धि क्या है, कृष्ण भावनामृत। भगवान भी बताते हैं 7.19 में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी हो जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। वासुदेव सर्वम इति समाहात्मा सुदुर्लभ, जो ये कहता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। केवल कहना काफी है कि कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है लेकिन कृष्ण ही सब कुछ है, ये कहना काफी नहीं है। इसे हमें अच्छी तरह से समझना है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत समस्त कर्म से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। कृष्ण भावना अमृत यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने कैसे किया जाएगा, जब हमारे हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं बचेगी। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर 7.28 में भगवान ने कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मा, जब हृदय के अंदर से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाएंगे, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके समस्त अपराधों का क्षय हो जाए। भगवान ने कह दिया कि यदि तुम प्रसाद खाते हो, भुंजते ते त्वगम पापम, ये पचन्ति आत्मकारणात्, यदि आत्मकारणात् अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाली तुमने खाया भी ना, तो वो भी पाप है। यानी कि उसके एक एक क्षण में, उसने अपने जीवन के एक एक क्षण को यदि भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो पाप ले रहा है। वो सांस भी ले रहा है तो भी वो पाप कर रहा है। जब तक उसे ये ना पता हो कि मेरा जीवन कृष्ण की अमानत है, मुझे कृष्ण के लिए जीना है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जीना है, केवल कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाना है, ये सोचकर कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के। और यदि अगर कोई ये प्रश्न करता है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या वो भी भक्ति में उन्नति कर सकता है ऐसा व्यक्ति है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप यदि अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध लोगों की हत्या कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, मार रहा है वो उनको, लेकिन वो भक्ति में शुमार होता है उसका युद्ध। तो हमारे जो भी कर्तव्य है वो कर्तव्य, हम गृहस्थ हैं तो ग्रस्त होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, ब्रह्मचर्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। तो जो भी कर्तव्य हैं हमारे, वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने, बुद्धि ये सोचना है कि मैं कार्य कर रहा हूँ सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो ही ये हो सकता है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त। द्वंद्व मतलब आपके अंदर द्वंद्व न हो कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा शत्रु है, ये अच्छा है, ये खराब है, बस जो भी है मोह नहीं है उसके साथ। मोह से यदि हम कोई काम करते हैं, किसी के अंदर आसक्ति रख कर यदि काम करते हैं तो अपराध हो जाता है, लेकिन मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं,
चुके कृष्ण ने ये ड्यूटी प्रिस्क्राइब की है, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वृत्ता, भगवान कहते हैं केवल वही वास्तव में मुझे सही तरह से डट सकता है, दृढ़वृत्ता दृढ़वृत्त से भजन कर सकता है। अर्थात अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कर्म तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ये जब तक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पुण्य कर्म करने, ऐसे अपराध खत्म हो जाएंगे। जब जीव के समस्त अपराध समस्त कलमश और मोह समाप्त हो जाएगा तभी वो दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। और दिव्य प्रेमा भक्ति क्या है जिसमें जीव को लगना है, वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में बताया है कि किसे कहते हैं दिव्य प्रेमा भक्ति, किसे कहते हैं परम सिद्धि। और इसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में एक सुंदर भजन में बताते हैं और कहते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा। वे कहते हैं कभी हबी बोलो से दिनामा, वो दिन आएगा मेरे जन्म में, क्या इस जन्म में कभी वो दिन आएगा, कौन सा दिन, अपराध गुरुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचा, जब हृदय से समस्त अपराधों का नाश हो जाएगा और भगवान के शुद्ध नाम में मेरी रुचि हो जाएगी और भगवान की कृपा से मेरा हृदय संचार हो जाएगा। क्या वो दिन कब आएगा जब त्रंबी कहीं न कभी नीचे मानी सहसुतार गुण हृदय तियानी सकले मानंद अपनी अमानी होवे असदिन राम रस सा त्रादिकहीन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यदि तुम्हें अपने जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है, त्रादिकहीन अपने आप को तृण से भी अधिक हीन मानना है, जो एक घास का तिनका होता है उससे भी अधिक हीन मानना है। सहिष्णुता आपके अंदर इतनी होनी चाहिए जितनी कि वृक्ष के भी अंदर ना हो। वृक्ष को यदि हम पत्थर मारते हैं तो फूल देता है और हमें यदि कोई गुस्सा करता है तो चमाट मारते हैं, है ना। इतना हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। और सकल आनंद अपनी अमन, यानी समस्त जीवों को अमान देना और अपने लिए किसी भी मान की अभिलाषा ना करना। वो दिन कब आएगा जब होवे आस्वादी भर नाम रससार, जब भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन कर पाऊंगा। ये भौतिक वस्तुएं धन जन आर कविता सुंदरी बल बिना चाहे देह सुखकारी, के धन जन जितनी भी वस्तुएं भौतिक हैं, कविता सुंदरी अपनी मान ये मेरे बारे में अच्छा बोले या फिर सुंदर स्त्री की सहना, जो कुछ भी देह सुखकारी, इवन भौतिक वस्तुओं से किसी भी तरह से अपने देह को सुखी करने की इच्छा ना हो। जन्मे जन्मे दाव अहो गुर हरि अहि तुके भक्ति चरणे तो माँ, के वो दिन कब आएगा जब मुझे लगेगा कि भले कितने ही जन्म मुझे प्राप्त हो, यानी कि मुझे मुक्ति की इच्छा ना हो और मैं चाहूँ कि भले कितने ही जन्म हो लेकिन मुझे आपकी अहितुकी भक्ति प्राप्त हो। अत्यंत ही सुंदर आगे कहते हैं करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गद वचन वैवर्ण्य विपथु हबे संगठन निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार, के वो दिन कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकार्निचितं वपु कदा तवनं ग्रहणे भविष्यति। कब आपका नाम उच्चारण करते हुए मेरे नेत्रों से अश्रु धाराएं बहेंगी, कब
आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए गदगदित होकर मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ये है भगवत प्रेम, ये है कृष्ण प्रेम, ये है कृष्ण प्रेम की सिद्धि जो कि अनेक अनेक जन्मों तक अभ्यास करने के बाद प्राप्त होती है। और जब तक जीव के अंदर वह स्थिति नहीं आती है तब तक परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब तक भौतिक वस्तुओं की इच्छा बाकी रहेगी तब तक भौतिक वस्तुओं में आनंद की अभिलाषा बाकी रहेगी, तब तक कृष्ण के अंदर हृदय के अंदर कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीव को परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसी श्लोक जी यहाँ पर बता रहे हैं कि तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है जब उसके समस्त पुण्य जीव को पुण्य ही पुण्य होंगे और समस्त अपराध कलमश जो है वो सब मोह सब समाप्त होगा। और भगवान कहते हैं अनेक अनेक जन्म जब होंगे अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परम गति, हो सकता है वो परम गति प्राप्त करने में तुम्हें अनेक जन्म लग जाए, इसलिए तुम्हें क्या करना है प्रयत्नाध्यतन मानस्तु, तुम्हें बहुत बहुत प्रयत्न करना है, दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करना है कि मुझे भौतिक वस्तुओं में नहीं कृष्ण के नाम में और कृष्ण की कथाओं में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना है। तभी योगी संशुद्ध के विषय समस्त अपराध नाश हो जाएंगे और फिर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकेंगे, परम सिद्धि भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।